हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम धनवर से एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे, कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं उस ऐप में बहुत ही सरल तरीके से। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप भी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अपने अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बताना वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको धनवर से एप्लीकेशन को ओपन करना है। यदि आपको इसको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इसको अलाउ दे देंगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ पढ़ना हो तो आप नेक्स्ट कर लेना। यहाँ से हम कैटेगरी चूज़ करेंगे तो हम यहाँ से एक कैटेगरी चूज़ कर लेना, तो हम इलेक्ट्रिशियन की एक कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, पेटीएम वाला पेटीएम मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे एग्री इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे हमने टिक लगा दिया, और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ देर इंतजार करने के बाद ओटीपी आ गई है, हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर देते हैं, ठीक है। तो हम ओटीपी चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ फिल कर देंगे। तो हम ओटीपी फिल कर रहे हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हमने प्रोसेस आगे ली है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा है फिल प्रोफाइल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे नेम हम डाल देते हैं। इसके बाद सरनेम डालेंगे, यहाँ पे आपका जो हो वो आप डाल देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे हम, तो डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम। तो हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर देती है। इसके बाद आपको यहाँ जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल, तो हम यहाँ पर मेल चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको ईमेल फिल करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईमेल भर देते हैं। ईमेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लैट डोर नंबर डाल सकते हैं, लैंड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लैंड फिल करने के बाद आपको चुनना है स्टेट, तो हम यहाँ से स्टेट अपना चूज़ कर लेते हैं। हमने स्टेट चुन लिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आया है, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट या जिला लगता है। इसके बाद अपनी सिटी टाउन डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डालना है पिन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्षेत्र का पिन कोड डाल लेंगे। यदि आपको ये एड्रेस ना मिले तो आप आधार कार्ड निकाल लेना, ये पूरा एड्रेस आपको आधार कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, ठीक है। फ़ोटो खींच कर आप यहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर देना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। पैन नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पे पैन अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी पैन कार्ड नहीं है, इसलिए मैं पैन कार्ड नंबर नहीं भर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस आगे आपको लेके चलता हूँ। मैं पूरा अकाउंट क्रिएट करके बताऊँगा बिना पैन कार्ड के, ठीक है। तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है इस ऐप को चलाने के लिए। और यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पहला सामने का आधार अपलोड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे का अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्सनल फ़ोटो देना जो इस ऐप में शो हो। इसके बाद आप कर देना सबमिट। भरने के बाद मैंने सबमिट कर दिए। मैंने इसमें अभी आधार कार्ड और वो पैन कार्ड नहीं जोड़ा, इसलिए पेंडिंग में है, ठीक है। यदि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड हो तो आप फिल कर लेना, आपका सक्सेसफुली वेरीफाई अकाउंट बन जाएगा यहाँ पर। और मेरे में लिखा रहा है पेंडिंग, ठीक है, तो ये आपके में नहीं आएगा। यहाँ पे देखना आप एड्रेस फिल हो चुका है, बिजनेस डिटेल्स ये खाली पड़ा है, ठीक है। तो आप बाद में भी बनने के बाद आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद आपके पास इससे अच्छी प्रोफाइल नज़र आएगी। यहाँ पे आपका फ़ोटो शो होगा और यहाँ पे आपकी अर्निंग भी शो होगी, कितनी आप अर्निंग कर रहे हैं, और ऑप्शन आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।